हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। मैं आज अपनी छत पे सेंटरिंग करवाने जा रहा हूँ और इसके फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होता वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, ये मैंने बॉटम टांगने चालू कर दिए। तो फर्स्ट स्टेप बताऊँगा कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है। ऐसे ही आप मेरे चैनल पर बने रहें नए नए वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलें तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं स्कूल बिल्डिंग पे काम कर रहा हूँ इस समय। ये मेरी बिल्डिंग है और इस पर हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं। लोअर ग्राउंड की स्लैब हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें ग्राउंड फ्लोर पे, ये हमारे कॉलम है जो कि सेंटरिंग के लिए तैयार है। देख सकते हैं ये हमारे सारे कॉलम स्टेज पे आ चुके हैं। ये हमारे यहाँ लिंटल, छज्जे, ये सब डल के कंप्लीट है और 3600 में से 3100 मतलब 3 मीटर 100 पे हमने ये कॉलम कास्ट कर लिए हैं। और ये देखो, ये दोस्तों इसे बोलते हैं हम कैपा। बॉटम टांगने के पहले सबसे पहले हम कैपा बोलते हैं इसको। हम बॉटम टांगने के पहले हम इसे लगाते हैं। इसे बॉटम बेस भी बोला जाता है और जनरली भाषा में इसे हम बोलते हैं कैपा। सबसे पहले हम कैपा को इसकी लेवल के हिसाब से इसको हम लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको समझ में आएगा। ये हमारा मिस्त्री है, ये कैसे कैपा लगा रहा है। ये जितनी हाइट होती है उस हाइट में लेवल, पहले हम सारे कॉलम पे वाटर लेवल से सारे कॉलम में लेवल मार्क कर लेते हैं, फिर हम वहाँ पे बॉटम बेस लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मीटर डेढ़ से मिस्त्री हमारा कैपा मार्किंग कर रहा है। वहाँ पे इस प्रकार से कैपा ठोक दिए जाएंगे। सबसे पहले नीचे ये होता है हमारा, सबसे पहले हम करेक्ट पोजीशन पे हम अपने कैपा ठोकें। ये कैपा लग चुके हैं हमारे और आगे भी लगते जा रहे हैं। एज पर ड्राइंग के हिसाब से हम इस पर इसका लेवल और इसकी पोजीशनिंग, कि कॉलम के किस फेस पे बीम आएगी, उस फेस पे हम कैपा लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में कॉलम आगे लगते भी जा रहे हैं, कॉलम पे रिंग भी बनते जा रहे हैं, कटिंग का भी काम चालू है, कास्टिंग का भी काम चालू है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप मेरे साथ बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे प्रोजेक्ट से। और डे बाई डे मैं नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। ये देखिए, फिर वो कैपा लगाने के बाद हम इस प्रकार से बॉटम लगा देते हैं। सीधा इसको कैपा के ऊपर रख दिया जाता है और तार और कील से इसको फिक्स कर दिया जाता है और नीचे बल्लियों का सपोर्ट देके इसको रोका जाता है। बल्लियाँ स्टार्टिंग में ढीली रखी जाती हैं, फिर दोबारा से इसको लेवल देख के और गाला बाई गाला मेजरमेंट देख कर, लंबाई चौड़ाई देख के इसको फिक्स किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, दोबारा फिर आऊँगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं इसके आगे के और स्टेप वीडियो डालते रहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।